हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कश्यप और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्किल्स बाय सुमित कश्यप। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल स्किल्स बाय सुमित कश्यप। आज की इस चैनल में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ड्रॉइंग टेक्निक्स। यहाँ से हम एक ड्रॉइंग की सीरीज बनाने वाले हैं। तो जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी, जैसे जैसे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, वी विल मेक वीडियो अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाते जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ द टेक्निकल ड्रॉइंग्स, व्हाई टेक्निकल ड्रॉइंग्स आर रिक्वायर्ड इन एनीवेयर इन द इंडस्ट्री, क्या पर्पस होता है इसका। इसके अलावा व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, वी विल डिस्कस हियर। तो हम शुरू करते हैं टेक्निकल स्किल्स बाय सुमित कश्यप। आज का जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक क्या, हम एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्रॉइंग्स, और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हम शेयर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक हुआ, इस कंप्लीट सेशन में मैं बता दूं, इस कंप्लीट सेशन में, ड्रॉइंग के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद ड्रॉइंग रीडिंग, उनके इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, उसके बाद उनके डायमेंशनल टॉलरेंसेस के बारे में, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस के बारे में। इसके अलावा और एक टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि टेक्निकल ड्रॉइंग्स क्या है, ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं ड्रॉइंग को बनाने के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए, है ना। आजकल तो कैड अलग पार्ट है और ड्रॉइंग, हैंड्स ऑन ड्रॉइंग जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं हाथ से, वो अलग तरीके का, दोनों को हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे ड्राफ्टिंग के बारे में, उससे क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से लाइन्स अप्लीकेबल हैं फॉर द मेकिंग अ ड्रॉइंग फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद लेआउट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, हम ये सारे टॉपिक वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, और इसके लिए मे भी हो सकता है कि जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो बढ़ सकते हैं। तो आप इस कंप्लीट लेक्चर को अगर पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ ड्रॉइंग सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ बने रहें। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा। तो सो वी विल स्टार्ट आवर बेसिक ड्रॉइंग, की क्या ड्रॉइंग है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टेक्निकल ड्रॉइंग कि व्हाट इज टेक्निकल ड्रॉइंग। अगर हम बात करें ड्रॉइंग के केस में, तो ड्रॉइंग के केस में अगर हमने जो जनरली वी फील कि विदाउट द एनी लैंग्वेज कन्वर्सेशन, वेन एवर वी सेंड आर ड्रॉइंग टू द अदर पीपल, दे कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली द पर्पस ऑफ द ड्रॉइंग। जब भी हम किसी ड्रॉइंग को पढ़ना होता है, तो हम बिना किसी से वर्बली कम्युनिकेट किए हुए हम क्या करते हैं, उस ड्रॉइंग को पढ़ लेते हैं। तो टेक्निकल ड्रॉइंग इज बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है आपका, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के इसे एक लोगों से दूसरे लोगों के बीच प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्निकल, व्हाट इज टेक्निकल ड्रॉइंग। तो टेक्निकल ड्रॉइंग इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट एक्सप्रेसिंग आर व्यूज, एक्सप्रेसिंग आर आइडियाज, एक्सप्रेसिंग आर डिजाइन विदाउट एनी बैरियर ऑफ द लैंग्वेज, दिस इज नोन एज आर टेक्निकल ड्रॉइंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ द इंजीनियर्स, बिकॉज हर एक इंजीनियर्स को ड्रॉइंग पढ़ना ही होता है, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो या वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, एवरी वन हैज टू रीड द ड्रॉइंग्स, बिकॉज इन ईच इंडस्ट्री एवरी वन हैज टू गो थ्रू द ड्रॉइंग्स। So I hope you understand what is technical drawing. Technical drawing is the, basically it's a graphical representation expressing our knowledge, expressing our ideas, expressing our project without any barrier of the language. So for the technical drawings, की अगर हम बात करें तो technical drawings को represent करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। That things are known as elements. What are the elements are required to make a technical drawings? So we will discuss here what are the technical elements of the drawing that we can discuss. So सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो main जो हमारे जो elements हैं, that is our graphical language and the word language. आप किसी भी drawing को देखेंगे अगर, तो आपको उसमें दो चीजें दिखती हैं, एक अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकेंड वन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लाइन्स दैट मेक्स अ कंप्लीट ड्रॉइंग्स। So that is the part of our graphical representation. And second one is the word language. Word language में बहुत सारी information mention रहती है उस drawing की, उस dimension, उस drawing की dimension क्या होगी, radius क्या होंगे, different dimensions which are required to put the information for the drawings. So basically there are two elements of the engineering drawing, that is the graphical language as well as the word language. अगर हम बात करें कि इस ड्रॉइंग, दिस इज आर एग्जांपल,
ये हमारा एक एग्जाम्पल है, कंप्लीट एग्जाम्पल। तो इस ड्रॉइंग सेशन में हम बात करें तो दिस इज आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि इस तरीके का शेप है, ये साइज है इस ड्रॉइंग की। लेकिन सेकेंड केस में अगर बात करें तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ दिस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दैट इज आर वर्ड लैंग्वेज। इससे हमें क्या किया, हमने वर्ड में उसे एक्सप्रेस किया। अगर इस बात को तो इस ऑब्जेक्ट की रेडियस कितनी है तो 9.5, इसकी डायमीटर कितनी है तो डायाफाइव। तो दीज आर द वर्ड एक्सप्रेशन फॉर द ड्रॉइंग्स एंड दीज आर द लाइन्स एंड द ऑब्जेक्ट द शेप आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब अगर हम बात करें कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द ड्रॉइंग्स, दीज आर द बेसिकली टू मेन एलिमेंट्स ऑफ द ड्रॉइंग्स। नंबर वन इज आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड वन इज द वर्ड रिप्रेजेंटेशन। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वी विल डिस्कस अबाउट द लाइन टाइप्स, क्योंकि लाइंस का इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन। जो भी हम ड्रॉइंग्स बनाते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे लाइन के कॉम्बिनेशन होते हैं। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर ग्राफिकल लैंग्वेज। सेकेंड इज अ प्रोजेक्शन मेथड, विच टाइप ऑफ प्रोजेक्शन मेथड वी आर यूज टू ड्रॉ अ ड्रॉइंग। हम कौन सा प्रोजेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ग्राफिकल लैंग्वेज। एंड थर्ड वन इज अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, कि आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि इट टॉक्स अबाउट द ज्योमेट्री, कि उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ दैट ग्राफिकल लैंग्वेजेस। एंड थर्ड नेक्स्ट वन इज द वर्ड लैंग्वेज। वर्ड लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो लेटरिंग यानी रेडियस कितना होगा, उसकी आर ए आर जेड की वैल्यू क्या होगी, उसमें सरफेस पैरामीटर्स क्या होंगे, ऑल द इंफॉर्मेशन विच आर पुट इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, दैट इज आर वर्ड लैंग्वेज। तो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट इंजीनियरिंग ड्रॉइंग, टेक्निकल ड्रॉइंग। नंबर वन इज ग्राफिकल लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज वर्ड लैंग्वेज। यहाँ पे मैं भी एक और पॉइंट डिस्कस करूंगा कि वट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टेक्निकल ड्रॉइंग एंड आर्टिस्टिक ड्रॉइंग। तो टेक्निकल ड्रॉइंग में हमें वी रिक्वायर्ड अ सर्टन पैरामीटर्स टू डिफाइन, जैसे कि हमने बात करी कि दैट एलिमेंट्स हैज टू बी डिफाइंड, कि उसके ग्राफिकल लैंग्वेजेस क्या हैं, उसके लाइन टाइप्स कौन कौन से यूज हो रखे हैं, व्हाट आर द प्रोजेक्शन मेथड आर वी आर यूजिंग, एंड व्हाट आर द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, एंड व्हाट आर द लेटरिंग वैल्यू, व्हाट आर द वैल्यू वी आर पुटिंग अप फॉर द इन्फॉर्मेशन फॉर द ड्रॉइंग शीट्स। लेकिन अगर हम आर्टिस्टिक ड्रॉइंग की बारे में बात करें तो आर्टिस्टिक ड्रॉइंग में आर्टिस्ट की इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो उस ड्रॉइंग को कितने अच्छे तरीके से बना सकता है। वहां पर आर्टिस्टिक ड्रॉइंग में किसी भी तरीके का कोई भी पैरामीटर्स डिफाइन नहीं किया जाता, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट टू इंक्रीज द एस्थेटिक ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रॉइंग। तो टेक्निकल ड्रॉइंग और आर्टिस्टिक ड्रॉइंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस है कि हमें टेक्निकल ड्रॉइंग को डिफाइन करने के लिए वी नीड अ सर्टेन पैरामीटर्स टू फिट डिफाइन, लेकिन वहां पे क्या है आर्टिस्टिक ड्रॉइंग में कि आपको वहां आर्टिस्ट के इमोशंस को उसके इंटरेस्ट को एक्सप्रेस किया जाता है, और कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करेगा इट डिपेंड्स ऑन द आर्टिस्ट। तो उसके पैरामीटर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन फॉर द टेक्निकल ड्रॉइंग्स इफ यू डिफाइन टेक्निकली एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिस्टिक ड्रॉइंग एंड द टेक्निकल ड्रॉइंग। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस चैनल का, इस टॉपिक का, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का। हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया कि व्हाट आर द टेक्निकल ड्रॉइंग्स, टेक्निकल ड्रॉइंग्स के व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द टेक्निकल ड्रॉइंग्स, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज द वर्ड लैंग्वेज। दोनों को कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैन बी डिफाइन एज द लाइन टाइप्स, प्रोजेक्शन मेथड, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन और लाइन टाइप और वर्ड लैंग्वेज में दैट लेटरिंग के थ्रू हम ड्रॉइंग शीट के ऊपर एक्सप्रेस करेंगे। आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल ड्रॉइंग्स को स्केच करने के लिए, बनाने के लिए विच आर द इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इसको डिस्कस करने के बाद वी विल गो फॉर द प्रोजेक्शन मेथड, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज को पूरा देखें। मैं आपको बिलीव दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि विल हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग के बारे में। पूरा का पूरा नॉलेज देने की मैं कोशिश करूंगा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो डेफिनेटली आई विल रिवर्ट यू। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। Thank you so much for watching this video.